Okay, very fine. Welcome back to your English class once again, right? So today we are going to take another chapter from your food unit. Fine. Dal delight. What do you understand? कुछ guess कर सकते हो dal delight meaning? It's a restaurant. No, it's not a restaurant. There is a chef, right? This is the story of a chef, और जो कि नवाब साहब को ये स्टोरी जो है वो आपकी लखनऊ और उस तरफ की साइड की है, तो यहाँ पे नवाब साहब हैं, जैसे किंग होते हैं इस तरीके से यहाँ पे नवाब साहब हैं, और नवाब साहब को इम्प्रेस करने के लिए और एक जो शेफ हैं जो कि हमेशा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं वो अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, और उनकी स्पेशलिटी जो है, वो जो शेफ है उनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, दाल, राइट? वो मिक्स दाल एक बनाते हैं जिसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अमेजिंग होता है, और उस टेस्ट को नवाब साहब तक वो टेस्ट जो है वो किस तरीके से पहुंचता है और नवाब साहब उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, सो दिस इज ऑल इन दिस स्टोरी. फाइन, सो सादिक्स father Mohammad Qadir was a wonderful cook and his greatest speciality was dal. यहाँ पे जो boy है उसका नाम है सादिक. सादिक के father जिनका नाम क्या है? Who will sound? Mohammad Qadir. Good. Mohammad Qadir जो है वो सादिक के father हैं. और वो क्या है, एक बहुत ही वंडरफुल कुक है, बहुत ही बढ़िया फूड जो है वो बनाते हैं, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, दाल. वेरी गुड. तो दाल जो है वो इतनी टेस्टी बनाते हैं, इतनी डिलाइटफुल होती है उनकी दाल. सो वी आर हैविंग द नेम ऑफ द चैप्टर इज दाल डिलाइट. फाइन. When Nawab Hasan Ali, अब यहाँ पे नवाब साहब भी आ गए, देखिए नवाब कौन है, हसन अली, who like to taste new dishes. तो जो नवाब है उनको जनरली क्या है, नई नई डिशेस टेस्ट करने का उनको बहुत शौक है, उनको वो रेलिश करते हैं, अलग अलग डिशेस जो है उनको चखना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं. विजिटेड देयर शॉप, वो उसकी शॉप पर आते हैं, सादिक की शॉप पे. सादिक वॉज वेरी एक्साइटेड. सादिक जो था वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ओ माय गॉड, नवाब साहब आए हैं हमारी शॉप पे, है ना. और नवाब साहब जो है वो कैसे हैं, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, तो उनको तो मेरे फादर के हाथ की जो स्पेशल दाल है वो टेस्ट करना बनता ही है. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट हिज फादर्स स्पेशल डिशेज वुड डेफिनेटली मेक द नवाब हैप्पी. लुक द कॉन्फिडेंस. वो कहता है कि उसको बिल्कुल डेफिनेटली वो श्योर था, 100% श्योर था कि नवाब साहब जो है उनको उसके फादर के हाथ की डिशेस जो है वो बहुत पसंद आएंगी. बट व्हाट हैपेंड देन, क्या होता है स्टोरी में आगे आगे, यू विल सी इन दिस स्टोरी. फाइन. ओके. सादिक वॉज सिटिंग इन हिज फादर्स फूड शॉप इन अ स्मॉल लेन ऑफ लखनऊ, फैनिंग फ्लाइज अवे फ्रॉम अ ट्रे ऑफ बिरयानी. एनीबडी हर्ड द नेम बिरयानी? किसी ने इस डिश का नाम सुना है? इट्स वेरी कॉमन. वेजिटेबल बिरयानी भी होती है, नॉन वेज भी होती है. वेरी नाइस. दम बिरयानी. गुड गुड. तो आपकी जो बिरयानी है वो दोनों तरीके की होती है, वेज भी होती है, नॉन वेज भी होती है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो सादिक है वो शॉप में बैठा हुआ है अपने फादर की, और वो क्या कर रहा है, फैनिंग कर रहा है जिससे कि कोई भी इंसेक्ट जो है, स्पेशली जो आपकी हाउस फ्लाइज होती है, वो उनके ऊपर आकर के न बैठे. Suddenly he saw a man in a silk sherwani get down from a horse. Oh my God! क्या हर कोई हॉर्स पे आता है? हर व्यक्ति कोई हॉर्स पे आता है क्या? No ma'am. No. Kings आते हैं. हाँ, जो थोड़े स्पेशल होते हैं, थोड़े रॉयल फैमिली से होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस पे आते हैं. और उन्होंने क्या पहना हुआ है? उन्होंने शेरवानी पहनी हुई है.
क्या पहना हुआ हमने? जनरल मीनिंग ऑफ शेरवानी. शेरवानी यस बेटा. लॉन्ग कोट वॉन विद पजामास. गुड. पजामे के साथ में लॉन्ग कुर्ता जो है एंड इट इज जनरली ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड. राइट, एम्ब्रॉयडर्ड होता है ये जनरली. प्रिंटेड भी हो सकता है लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा इसमें चमक धमक होती है. इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर आउटफिट्स. राइट, तो उसको थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए रहता है. तो एक लंबा सा कुर्ता होता है, मे बी समटाइम इट्स प्लेन और कई बार वो एम्ब्रॉयडरी भी होती है उसमें. तो इस तरीके के कपड़े पहन करके और घोड़े पर से कौन उतर रहा है? एवरीबॉडी नोज कौन होगा? गुड मॉर्निंग. नवाब हसन अली. हाँ, नवाब हसन अली, वेरी एक्यूरेट. इस ही ओके, गेट डाउन वाज इट. लुक्स रिच, वो बहुत अमीर लग रहा है, दिखने में लग रहा है बहुत अमीर आदमी है. तो वी पीपल फील हैप्पी ना जब हमारी शॉप पे कोई अगर अच्छी फैमिली से कुछ आता है, लगता है हाँ भाई ये दो चार चीजें खरीदेगा या फिर खाएगा. तो सादिक जो था वो वंडर्ड हो गया एकदम, बहुत खुश भी हो गया. Is he coming to our shop? Sadiq wondered. Sadiq's father, Muhammad Qadir, looked up from the kebabs he was frying as one of the servants came forward and said grandly, Nawab Hasan Ali has come. सब कुछ एक साथ हो रहा है. सादिक जो है उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है जो कि बहुत रिच दिखाई दे रहा है, शेरवानी पहन करके और घोड़े पर से उतरा है और वो उसकी दुकान की तरफ आ रहा है. उसके जो फादर है वो भी कबाब तल रहे हैं और फिर अचानक से वो ऐसे ऊपर मुंह करके देखते हैं कि कोई उनकी दुकान की तरफ आ रहा है, which is looking very rich. Fine. और इतनी देर में उनका जो सर्वेंट है वो आता है और आकर के सादिक के फादर को बोलते हैं कि कौन आया है? नवाब हसन हसन अली हैज कम. वो उनको इन्फॉर्म करता है कि नवाब साहब आए हैं. सो सपोज कीजिए कि जब आपकी शॉप पर कोई नवाब साहब आ रहे हैं तो उस समय आपको क्या लगेगा कि अरे नवाब साहब आ रहे हैं, जल्दी से जाके उनको एंटरटेन करो, उनको एस्कॉर्ट करो, अच्छा से अच्छा खाना खिलाओ. एग्जैक्टली, अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, उनको एंटरटेन करो. राइट, उनको ऐसा दिखाओ कि हमारी दुकान बहुत अच्छी है. हाँ बिल्कुल, शो देम गुड थिंग्स. अपनी अपनी बिल्कुल जो स्पेशलिटी है उसके साथ साथ अपनी सारी चीजें जो है वो उनको अच्छी शो करो. राइट, द मैन इन सिल्क एंटर्ड लुक्ड अराउंड देयर स्मॉल शॉप एंड सेड अ बोर्ड टोन. नवाब साहब जो है वो अंदर आते हैं. नवाब साहब के थॉट किस तरीके के लग रहे हैं हमें? नवाब साहब के थॉट ऐसे लग रहे हैं कि उनको अंदर आए, उन्होंने चारों तरफ देखा, लुक्ड अराउंड, उसकी छोटी सी शॉप जो थी उसमें चारों तरफ देखा और उनका इम्प्रेशन कुछ इस तरीके का हो गया कि ये तो छोटी सी शॉप है, यहाँ क्या कुछ खास होने वाला है ना, ऐसा इम्प्रेशन आया उनको. एंड सैड इन बोर्ड टोन, उन्होंने बोर्ड टोन में बोला, आई हियर यू आर द फेमस कुक मोहम्मद कादिर, आई लाइक टेस्टिंग योर न्यू डिशेस, व्हाट इज योर स्पेशलिटी. जब वो एंटर होते हैं उन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं, वो हॉर्स पे हैं और जब वो एंटर होते हैं तो वो कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, उनको लगता है तो छोटी सी शॉप है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है. फिर वो मोहम्मद कादिर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे अलग अलग डिशेस जो है वो खाने का शौक है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? जनरल फूड तो कहीं भी खा सकता हूँ मैं, मैंने बहुत सारी जगह पे खाया है, तो मुझे जनरल फूड के बारे में नहीं पूछना है, आप तो बताओ आपकी स्पेशलिटी क्या है. क्या बोलते हैं वो आप उनको कि मुझे बताओ तुम्हारी स्पेशलिटी जो है वो क्या है? वो तो आपकी सब तो अच्छी बनाता है. बिल्कुल. दाल, सेड सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब. नाउ यू लुक हियर, यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए क्या समझ में आ रहा है. दाल, सेड सादिक्स फादर, सादिक के फादर बोलते हैं, मतलब है कि सादिक फादर मींस मोहन मोहम्मद कबीर ने बोला कि दाल और फिर वो कबाब फ्राई करने चले गए. यानी कि उन्होंने क्या किया, कबाब बनाने चले गए. आप खुद सोचो, नवाब साहब आए हैं,
नवाब साहब तो इतने एटीट्यूड में हैं कि दुकान को देख के बोल रहे हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, लेकिन लोगों के लिए तो वो क्या है, नवाब साहब हैं। एवरीबॉडी गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि वो नवाब साहब है। बट हियर जो कादिर के हाँ यहाँ पे जो सादिक के फादर है वो क्या करने लगे, वो अपने काम में फिर से बिजी हो गए। उन्होंने उनको एज ए नॉर्मल कस्टमर ट्रीट किया, कैसे ट्रीट किया, एज गए और जो उन्होंने पूछा था हाँ उसका आंसर दिया और वापस अपने काम पे लगे। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि उनका काम क्या है, टू कुक गुड थिंग्स, है ना, अच्छा बनाना, तो वो तो अपने वापस से काम में लग गए और उन्होंने उनको कोई खास तवज्जो जो थी वो उनको नहीं दी, अटेंशन नहीं पे करी। दाल द नवाब लुक्ड सरप्राइज्ड, ओनली दाल, उन्होंने कहा दाल ये कौन सी डिश होती है, दाल भी कोई स्पेशल होती है, दाल के संग भाई कुछ और चीज है, कोई बढ़िया सी डिश का नाम बताओ, कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगा के, रिच इंग्रेडिएंट्स लगा के कुछ अच्छी डिश बनती है तो बताओ, दाल क्या होता है, दाल तो सबके घर में बनती है, व्हाट इज स्पेशल देयर, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन थे अब उनके। I can make biryani and mutton curry and all the usual things, but you ask me what I cook the best. Kadir replied calmly. Kadir जो है वो बिल्कुल शांत है, Kadir जो है वो बिल्कुल शांत है, उनको किसी भी तरीके के expression जो है नहीं आए। उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ, लेकिन आपने पूछा, आपने पूछा कि मैं स्पेशल क्या बनाता हूँ, that's why I said कि मैं दाल बनाता हूँ, ओनली दाल क्या होता है, आपने पूछा कि तुम क्या स्पेशल बनाते हो, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं दाल जो है वो स्पेशल बनाता हूँ, राइट, उसके अलावा मैं बिरयानी भी बना लेता हूँ, मटन करी भी बना लेता हूँ, बहुत सारी यूजुअल थिंग्स, मतलब मैं हर तरीके की डिश बनाता हूँ, लेकिन आपने पूछा कि खास क्या है, तो खास क्या है, दाल। लेकिन कादिर जो है वो बिल्कुल भी क्या नहीं हुए, डिसअपॉइंटेड नहीं हुए और बहुत एकदम पैनिक नहीं हुए कि नवाब साहब आए हैं मेरे यहाँ पर, तो वो थोड़े बहुत इस तरीके से बिल्कुल कामली उन्होंने आंसर कर दिया इस चीज का। I can make, okay, it's done, but dal that doesn't sound very very exciting. My friends praised you your cooking so much. I expected something better. वो कहते हैं कि ठीक है आपकी दाल स्पेशल है, लेकिन दाल कुछ अजीब सा साउंड कर रहा है, दाल तो इतनी कॉमन सी चीज है, कोई स्पेशल डिश होती या कुछ हो, मेरे फ्रेंड्स ने आपकी बहुत तारीफ की, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और बहुत आपकी प्रेज कर रहे थे, यानी कि आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे वो, कि नहीं भाई वो शॉप बहुत बढ़िया है, वहां पे खा के आओ, है ना, तो और मैंने बहुत उम्मीद की थी आपसे कि आप कुछ अच्छा बनाते होंगे, कुछ हटके बनाते होंगे, व्हाट इज दाल, इट्स डजंट साउंड गुड, बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक। तब कादिर जो है, मोहम्मद कादिर जो है सादिक के फादर, वो बोलते हैं लेकिन आपने टेस्ट भी तो नहीं की ना मेरी दाल, अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं की और आपने तो जजमेंट दे दिया कि इसमें क्या खास है। फाइन आई विल टेस्ट इट, What kind of dal do you make? Urad. Have you heard the name of dal? कितने बच्चों ने सुना है अपने घर में उड़द का दाल? कितने बच्चे हैं जिन्होंने उड़द का दाल सुना है घर में, मम्मा कुक करती है आपके लिए? Excellent. So everybody likes it? उड़द दाल इज समथिंग स्पेशल, और वो बताता है मैं उड़द की दाल जो है वो बहुत अच्छी बनाता हूँ, गेट मी सम, लेट्स सी व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट, लाओ लेके आओ थोड़ा सा मेरे लिए, देखते हैं टेस्ट करके क्या है उसमें, खास क्या है, आई हैवंट गॉट इट नाउ। कौन बोलेगा ये, किसने बोला होगा, किसने बोला है, मोहम्मद कादिर ने बोला कि नहीं अभी नहीं है मेरे पास में, अभी कहाँ से लेकर के आऊंगा। What? The Nawab was looking angry now. Sadiq realized worriedly. Sadiq ने देखा कि अब जो नवाब साहब है वो थोड़े एंग्री हो गए थे, उन्होंने कहा बड़ा गुस्ताख आदमी है ये तो, जब मैं इसकी शॉप पे आया तो इसने मुझे आगे से बढ़ के वेलकम नहीं किया
और जब मैंने पूछा कि तुम क्या स्पेशल बनाते हो तो बड़े एटीट्यूड में आके बोल रहा है कि मैं दाल बनाता हूँ। और जब मैं अंदर आया शॉप के तो ये अपना काम करने लगा मुझे जवाब देख करके, इसने तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। और अब जब मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है दाल टेस्ट कराओ तो मुझे कह रहा है कि दाल नहीं है, एक नवाब को ऐसे जवाब दे रहा है। आई ओनली मेक माई शाही दाल उरद और ऑन ऑर्डर कादिर सेड। अब कादिर ने कहा कि मैं अपनी ये जो स्पेशल उड़द की शाही दाल है इसको ऑर्डर पर ही बनाता हूँ। कब बनाता हूँ? सॉरी आई डोंट गेट इट, व्हाट हैपेंड बेटा? व्हेन आई शुड टेल द नेम ऑफ शाही? बिल्कुल श्योर, I'm royal. Royal. Royal which belongs to royal family, Shahi family से। यानी कि जैसे शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं इसी तरीके से ये जो रॉयल फैमिली, हाँ इसी तरीके से ये जो फूड है वो भी कैसा है, रॉयल है, रिच फूड है, रिच फूड है। तो ये कह रहा है ये मेरी दाल तो बहुत स्पेशल है, ये मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाता हूँ और मैं केवल ऑर्डर पे बनाता हूँ, ऐसे थोड़े मैं इसको कभी भी नॉर्मल डेज में इसको बनाऊंगा। इट टेक्स मी अ डे टू मेक इट विद सीक्रेट स्पाइसेस। इसने कहा कि मैं कुछ सीक्रेट स्पाइसेस इसमें डालता हूँ, रेगुलर तो सब क्या बनता ही है। व्हाई आई एम सेइंग कि मेरी तो दाल भी स्पेशल है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैं इसमें कुछ अलग से स्पाइसेस जो है वो डालता हूँ, जो उनकी स्पाइसेस होती है, हाँ, और मैं उसको अलग तरीके से बनाता हूँ। इफ योर ऑनर सो विशेस आई कुक इट फॉर टुमारोज लंच। ही सेड कि अगर आप खाना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो योर ऑनर मैं आपके लिए कल इस दाल को बनाता हूँ। ऑलराइट, नवाब हसन अली गेव इन। आई लिव नियर बाय, मैं पास ही में रहता हूँ, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस। फिर एक चीज और आ गई, फिर से एटीट्यूड में आ गए नवाब साहब, और नवाब साहब ने क्या कहा, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, कल तुम बना के मेरे घर लेके आना, ठीक है घर ले आना। देन क्या मोहम्मद कादिर रेडी होते हैं जाने के लिए? No. जिस तरीके का मोहम्मद कादिर जितने सेल्फ रिस्पेक्टफुल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से उन्होंने मना कर दिया होगा। आई एम सॉरी सर बट दैट इज नॉट पॉसिबल, उसने कहा आई एम वेरी सॉरी ये पॉसिबल नहीं है सर, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम टू योर प्लेस। मैम क्योंकि वो अकेले थोड़ी कस्टमर है, सब आते हैं कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर आते हैं उनकी दुकान पे। वेरी फाइन, हु इज साउंडिंग, लेट मी नो द नेम, हु इज साउंडिंग? नयन जैन, वेरी गुड, गुड आंसर। क्योंकि उनके लिए तो सारे कस्टमर एक से हैं, इधर इज अ नवाब और अ कॉमन मैन। अगर कोई कॉमन बिल्कुल बिल्कुल उनकी नजर में सब एक से हैं, अगर उनके हाथ में आपको ये तो नवाब सबको पहले लेंगे और फिर जो जिसने ऑर्डर दिया उसको बाद में देंगे। एग्जैक्टली सो द थिंग इज योर के नवाब जो मोहम्मद कादिर है वो तो उनकी तो स्पेशलिटी है, वो चाहे कोई भी आएगा अगर वो डिमांड करेगा तो वो उसके लिए अच्छा ही बनाएंगे। और उसने बोला कि भाई सॉरी मैं ये सब मैं नहीं कर सकता कि मैं अगर आपके लिए अभी के भी बनाऊं, नो आई मेक इट व्हेन इट इज ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर आएगा तभी मैं इसको बनाऊंगा, मैं आपके लिए कल बना सकता हूँ। और कल उसने बोला आप मुझे घर पे दे आइए, उसने कहा सॉरी सर उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो मैं घर पे तो देने नहीं आऊंगा आपको, है ना। आई एम सॉरी सर बट दैट इज नॉट पॉसिबल सेड कादिर। सादिक साई, सादिक ने देखा एकदम से, सादिक को लगा अरे डैडी आप ये क्या कर रहे हो, कैसे जवाब दे रहे हो नवाब साहब को। हिज फादर लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बाय बीइंग सो डिफिकल्ट, राइट। उसको लगा कि जो बाय बीइंग सो पर्टिकुलर, वो सादिक कहता है, सादिक सोचता है कि ये इस तरीके से अगर बिहेव करेंगे फादर तो ये तो बहुत सारे कस्टमर जो है लौट जाएंगे, और कम से कम स्पेशली यहाँ पे तो नवाब साहब है, ये फादर का जो एटीट्यूड है इतना डिफिकल्ट सा, जो एक पर्टिकुलर सा इन्होंने अपना बना रखा है, ये बहुत मुश्किल कर देगा भाई, ऐसे तो सारे लोग लौट जाएंगे। इट विल बी वर्थ द ट्रबल, ये बहुत मुश्किल होगा। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड लेफ्ट द शॉप।
और फिर जब वो इस तरीके की बात बोलते हैं तो नवाब साहब को भी कुछ वो लगता है कि अरे भाई ये तो इतना ज्यादा इसको एटीट्यूड है कि इसकी दाल पता नहीं कितनी स्पेशल है, मैं बोल रहा हूँ घर पे पहुंचा देना तो घर भी नहीं पहुंचा रहा। तो उन्होंने कहा चलो एक बार चख के तो देखते ही है। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मेरा घर यहाँ पास में ही है, मुझे कॉल कर देना, आई विल कम और कल मिलते हैं, कल तुम्हारी दाल टेस्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी टुमारो, राइट? ओके मैम। सो इफ एनीबडी फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी टू इन टुमारो क्लास, राइट? ओके मैम। ओके, टेक केयर, बाय मैम। बाय।